ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ। ਤੋ ਯੇ ਹੋਗਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 3, ਰੋਡ ਟੂ ਸਿਕਸ ਪੈਕਸ ਐਪਸ ਕਾ। ਐਪੀਸੋਡ 2 ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਆ कि हम नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं सिक्स पैक्स एब्स। अब बात आती है सप्लीमेंट्स की। तो सप्लीमेंट्स में जो मोस्ट कॉमन क्वेरी रहती है वो रहती है वे प्रोटीन के बारे में। क्या है वे प्रोटीन, क्या होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्या वे प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, क्या सिक्स पैक्स बनाने के लिए वे प्रोटीन ज़रूरी है। अगर आपके भी यही सभी सवाल हैं तो जुड़े रहें मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में, हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन है एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। दूध को प्रोसेस करने के बाद जो एंड में प्रोडक्ट बचता है उसे बोलते हैं हम वे प्रोटीन। तो बात करते हैं सिक्स पैक्स एब्स बनाने के लिए वे प्रोटीन ज़रूरी है, क्या वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने जैसे ही बात करी वे प्रोटीन एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फिर से मैं बोलूँगा, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को एंड कर सकते हैं कि वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर जानना चाहते हैं तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड तक इस वीडियो में रुक के। तो बात करते हैं सिक्स पैक्स एब्स के लिए क्या ज़रूरी है वे प्रोटीन। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, एग्स है, चिकन है, क्योंकि ये सब लीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं, अगर आप 8 एग वाइट्स खाते हैं तो भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाते हैं तो भी लगभग आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन पीते हैं तो भी आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप अपनी मील्स कुक कर सकते हैं, टाइम आपके पास है अपनी मील्स कुक करने का, 8 अंडे उबालने का टाइम है, चिकन बनाने का टाइम है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप हमेशा मील्स ही खाएं, क्योंकि जो काम मील्स करती हैं वो प्रोटीन का भी काम नहीं करेगा। प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है। अगर आप उसे पोस्ट वर्कआउट ऐड करते हैं तो रिकवरी में हेल्प करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, बट अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आप नेचुरल फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। नेचुरल फूड जैसे कि चिकन ब्रेस्ट हो गई, एग्स हो गई, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अदर जो आपकी दालें दूले सोर्सेज होती हैं उनसे जो है अपना प्रोटीन सोर्स कंप्लीट करें, रादर देन सप्लीमेंट की तरफ जाने से। सप्लीमेंट सिर्फ उस बात की रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोटीन की वो मीट करनी है तो आपके पास टाइम नहीं होता एग्स बनाने का या चिकन बनाने का, तो आप एक या दो मील्स को अपनी रिप्लेस कर सकते हैं दिन में। बट मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिकवर करना है, अगर आपको अच्छा अपनी बॉडी को खाना देना है, तो आप हमेशा फूड सोर्स से ही कंप्लीट कीजिए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है अब उनके लिए बात करते हैं। वे प्रोटीन किसी के लिए डब्बा है, किसी के लिए पाउडर है, या फिर किसी के लिए चूरन है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है। कभी भी डब्बे से या फिर पाउडर से या चूरन से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है मेहनत से और जो टाइम देते हैं हम और जो न्यूट्रिशन देते हैं। तो जो जहाँ से वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी कि छोले भटूरे या फिर जंक फूड जो लोग खाते हैं और पूछते हैं कि वे प्रोटीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहले आपको जिम शुरू करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, अपना न्यूट्रिशन ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर न्यूट्रिशन से आपकी बात नहीं बन रही तो सप्लीमेंट ऐड कीजिए। सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आपने वे प्रोटीन का एक स्कूप ऐड किया और उससे बॉडी बन जाएगी। 8 अंडे खा के कभी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ये तो एक रोज का टास्क है। हर रोज आपको जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से आपको आना है, मेहनत करनी है। आपका अगर एक स्कूप से किसी की बॉडी बनती होती या एक डब्बे से किसी की बॉडी बनेगी या एक प्रोटीन के बॉक्स से किसी की बॉडी बनेगी, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा कोई जादुई सप्लीमेंट नहीं है वे प्रोटीन। तो मेक श्योर आप अगर अपने न्यूट्रिशन से सारा ही फुलफिल कर सकते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, तो न्यूट्रिशन से कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा मील्स को लेकर, तो आप वे प्रोटीन का ऐड कीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो ध्यान रखें, लोगों को अवेयर करें कि कोई जादुई चीज़ नहीं है, इसका जितना हो सकता है अपना देख कर इस्तेमाल करें। ज़्यादा भी प्रोटीन सोर्सेज दिन के लोग 4 से 5 स्कूप लेने शुरू कर लेते हैं, वो भी आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करेगा। तो रादर देन रोज के 5 स्कूप लेने से अच्छा आप जो अपनी रिकवरी है वो मील्स से ज़्यादा प्रेफर करें। और इसको पोस्ट वर्कआउट एक आधा स्कूप ले सकते हैं, मैं भी लेता हूँ, मेरे सभी दोस्त लेते हैं जो इस लाइन में हैं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं। तो बात हुई हमारी कि वे प्रोटीन एकदम सेफ़ एंड नेचुरल सप्लीमेंट है, बट सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, अच्छी जगह से बाय करें, अपने ट्रेनर से गाइडेंस लें, अपने बिहाफ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करें, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें।
तो आज की वीडियो मैं बस यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहेंगी। मिलते हैं रोड टू सिक्स पैक्स एप्स एपिसोड नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।